बनाऊंगा फिर वह घुमाऊंगा स्वीटी पिन पासवर्ड सारे तुझको बताऊंगा। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जैक एडिटिंग। तो आज हम लव स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। और हम जो इस वीडियो के अंदर मटेरियल यूज़ करें उसके बारे में आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना और यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और साइज सेलेक्ट करनी है आपको 9x16। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड ऐड करना होगा, तो मैं बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो ये है वो कलर्स बैकग्राउंड, तो यहाँ पर इसके इसके बाद आपको फिर यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडियम में जाना है। मीडियम जो इसका शेडो इफेक्ट है उसको ऐड करना है, तो सबसे पहले उस शेडो इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, यहाँ पर। इसके बाद में इसकी लेयर को भी फुल कर देते हैं, ड्यूरेशन को भी, तो यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद में इसकी जो म्यूजिक लवर PNG टेक्स्ट PNG उसको ऐड करेंगे हम, तो PNG ऐड कर लेते हैं पहले। तो ये वो PNG, इसको यहाँ से पहले नीचे की तरह स्क्रॉल कर ले आएंगे और फिर पहले इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देते हैं। ड्यूरेशन को फुल करने के बाद में आपको ऑप्शन में स्क्रॉल करते हुए यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जो इसका LED PNG है तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये है वो PNG, इसको पहले यहाँ से यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शन में स्क्रॉल करते हुए पहले इसकी ड्यूरेशन को फुल कर देते हैं। ड्यूरेशन को फुल कर देने के बाद में यहाँ से आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना और इसके स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद फिर इस PNG पर क्लिक करना और इसको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसकी थोड़ी सी साइज को हम बढ़ा देंगे, तो ये बढ़ गई। इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। आप अच्छे से एडजस्ट करें ताकि अपना वीडियो अच्छा बन सके। इसके बाद फिर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना देनी है। डुप्लीकेट को यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर 3 लाइन पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट को यहाँ पर ऐड करेंगे इसको, और पहले वाले को हम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये अच्छे से एडजस्ट हो गया है। इसके बाद आपको फिर लेयर पर क्लिक करना है और मीडियम जाना है। मीडियम आपको अपने फोटो की ऐसी PNG बनानी होगी, तो आपको गूगल में जाना और वहाँ पर टाइप करना है रिमूव बीजी में आप अपना फोटो अपलोड, इमेज में अपना फोटो अपलोड करके ऑटोमेटिकली अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। और इसकी लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो। इसके बाद में इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे इतना, और पहले इसकी ये ऐड हो गया है। इसके बाद में इसकी ड्यूरेशन को भी फुल कर देते हैं। ड्यूरेशन को फुल करने के बाद में आपको फिर लेयर पर क्लिक करना और यहाँ से आपको जाना है मीडिया में। इसके बाद इसका जो टेम्पलेट है उसको ऐड करेंगे हम, तो मैं टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। ये वो टेम्पलेट, इसको पहले फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आपको इसके ऑडियो को पहले म्यूट करना होगा। म्यूट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए ऑप्शन में आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना और यहाँ से स्क्रीन कर देना है इसको। स्क्रीन करने के बाद फिर लेयर पर क्लिक करना और मीडिया में जाना। मीडिया में जो इसका लिरिक्स वीडियो है तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये वो वीडियो, इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे और पहले ऑप्शन में स्क्रॉल करते हुए यहाँ से क्रॉपिंग पर क्लिक करके इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद में यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग में इसको स्क्रीन कर देंगे। और जो हम इस वीडियो के अंदर मटेरियल यूज़ करें उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में #टैग के नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना और मीडिया में जाना है। मीडिया में जो इसका हम बॉर्डर है उसको ऐड करने वाले हैं, तो ये बॉर्डर PNG को हम यहाँ पर पहले स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद में यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे हम। तो मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। तो ये हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट करके हम गैलरी में सेव करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके सेव करने वाले हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।